हे फ्रेंड्स, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है और एक और इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट नॉलेज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज के ब्लॉग में। तो ब्लॉग आप पूरा ज़रूर देखेगा क्योंकि काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा, काफ़ी कुछ आप आज के ब्लॉग से सीखेंगे। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, आपका एक ब्लॉग चैनल है और आप ब्लॉग से कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं, इसलिए आप यूट्यूब पर आए हैं। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करके जाइएगा। तो देर नहीं करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज के ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे आपको ब्लॉग क्यों स्टार्ट करना चाहिए, क्यों आपको भी ब्लॉग बनाना चाहिए। इस चीज पे और इस मुद्दे पे आज हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बहुत ज़्यादा मुझे ये इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक लगा तो मैंने सोचा कि एक आप लोगों के लिए वीडियो इस पर बनाई जाए। तो वीडियो आज आपके सामने है, पूरा आप देखिएगा और अपना तैयार कीजिएगा। देखिए आज के टाइम में तो हर कोई व्लॉगिंग कर रहा है, व्लॉग्स वगैरह बना रहा है, लेकिन इस बारे में ज़्यादा मुझे नहीं लगता है चर्चा होती होगी या लोग इस पर बात करते होंगे। तो चलिए इसी कड़ी में हम अपने पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा बिकम अ बेटर स्टोरी टेलर। देखिए धीरे धीरे जब आप व्लॉगिंग करना स्टार्ट करेंगे तो पहले तो आपको कुछ नहीं आता होगा, आप एक स्टोरी कैसे क्रिएट करके दिखा सकते हैं व्लॉगिंग के थ्रू ये भी आपको नहीं पता होगा और नहीं आप जानते भी होंगे, ये तो पक्की बात है। लेकिन अगर आप जब व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके आप चीज़ें सीखेंगे और चीज़ों को जानेंगे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं और किसी भी चीज़ को एक सीक्वेंस से लगा के और कैसे एक अच्छी स्टोरी मतलब क्रिएट कर सकते हैं व्लॉगिंग के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें आप किस चीज़ के थ्रू आप सीखेंगे और जानेंगे व्लॉगिंग के थ्रू। तो इसलिए आपको व्लॉगिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप एक अच्छे स्टोरी टेलर बन सके। आप धीरे धीरे जब करने लगेंगे व्लॉगिंग वगैरह, आप व्लॉग वीडियो बनाएंगे, कहीं भी आप दूर दूर जगह पर जाके बाहर व्लॉग करेंगे, तो क्या होगा इससे कि उस जगह को लेके और चीज़ों को ऐड ऑन करके जिस भी टॉपिक पे आप व्लॉग बना रहे हैं तो आपको एक स्टोरी कैसे आप उस चीज़ की बता सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, आपको स्टोरी टेलिंग आपकी कहीं ना कहीं अच्छी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे नंबर का पॉइंट, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कनेक्ट विद योर ऑडियंस। जी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपको इसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करेंगे, ऐसा ही नहीं कि बिना ऑडियंस से अपनी कनेक्ट करे देखिए कोई भी चीज़ मतलब पॉसिबल नहीं हो सकती और कोई भी चीज़ में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको अपने ऑडियंस से देखिए कनेक्ट होना ही पड़ता है। तो उसी तरीके से आप व्लॉगिंग को भी लीजिए, ये देखिए जब आप धीरे धीरे अपनी ऑडियंस से कनेक्ट होना शुरू करेंगे व्लॉगिंग के थ्रू और जहाँ भी आप जाएंगे बाहर, अगर आप आउटडोर व्लॉग कहीं भी बनाएंगे, आप अपनी ऑडियंस को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएंगे। अब हम तीसरे नंबर के पॉइंट की अपनी बात कर लेते हैं, वो है डाइवर्सिटी योर कंटेंट। यस, ये हमारा तीसरे नंबर का पॉइंट है। इसका मतलब होता है गिव पीपल व्हाट दे वांट, मतलब देखिए जो आपकी ऑडियंस है, जो लोगों को देखना है और जो लोग चाहते हैं उनको आप वो चीज़ें दीजिए, वो चीज़ें उन्हें दिखाइए जिस चीज़ में लोगों को इंटरेस्ट है, ना कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप वो चीज़ें उन्हें दिखाइए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप किस चीज़ से सीखेंगे, व्लॉगिंग करके ही सीखेंगे और व्लॉग वगैरह बना कर ही ये चीज़ें आप सीखेंगे कि लोगों को आपको वो चीज़ें कैसे देनी है व्लॉग के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर के अपने पॉइंट की, वो है अकाउंटेबिलिटी। यस, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी हमारा पॉइंट है, क्योंकि देखिए अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, आप जवाबदेही कह लीजिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये तो ज़रूरी आनी चाहिए किसी भी इंसान को। अब हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर के अपने पॉइंट की, वो है अकाउंटेबिलिटी।
यस, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी हमारा पॉइंट है, क्योंकि देखिए अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए आप, जवाबदेही कह लीजिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये तो ज़रूरी आनी चाहिए किसी भी इंसान को। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं 5वें नंबर का जो हमारा पॉइंट है उसकी। तो 5वें नंबर पे आता है ग्रोथ। यस, इंक्रीज योर स्किल्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आपके अंदर जितनी भी स्किल्स हैं, जो भी चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन आपको अपनी स्किल्स को इंक्रीज़ करना, बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पॉइंट आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। सो आज आपने सीखा और आपने ये चीज़ जानी कि वाई यू शुड स्टार्ट व्लॉग। तो आज की वीडियो आपको होप पसंद आई होगी, और वीडियो के नीचे आप कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिटिल डेन, बाय बाय।